एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए जा कै हृदय को होए। सच करनी सच ताकी रह तो सच हृदय सत मुख कह तो। साची दृष्ट साचा आकार सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दे साजे नवाजे दर्शक सजणों सत्कारयोग बजुर्गो मातावो भैणों वीरो आप सब दियां सीसां ते सतगुरां दियां अपार बख्शां द्वारा श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। पंद्रहवीं अष्टपदी की विचार असी कर रहे हाँ। अज आखिरी अठवें पद की विचार करनी है। वह वाहिगुरु अकाल पुरख सारिया ही शक्तियों का मालिक है ते असी भी उहदे वारस हाँ उहदे अंश हाँ ते नाम द्वारा ये शक्तियां सानू भी प्राप्त हो सकदियां ते इन्हां शक्तियों द्वारा साडा जीवन भी उच्चा सुचा हो सकता। सही रस्ते ते टुर के अपने प्रभु परमेश्वर दे विच लीन हो सकता। ऐसी विचार पातशाह इस अष्टपदी भी दे रहे हैं। हरेक पद विच इस विचार की प्रौढ़ता की गई है। तो इस अठवें पद विच पातशाह फरमाउंदे हन जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत। साडे लई परमेश्वर की अनुभवता कराउण वाला साडा सतगुरु है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिहदे विच उस वाहिगुरु अकाल पुरख के नाम सिमरन की वडियाई की गई है। तो जदों भी कोई गुरसिख मन करके हिरदे करके अंतरात्मा करके अपने गुरु नाल जुड़दा भाव शरदा भावना सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करता है बाणी नू सुनदा है गाउंदा है विचारदा है उहदे मन विच फिर प्रतीति जागदी है। तो प्रयोजन की है प्रतीति दा कि वाहिगुरु अकाल पुरख चित आवे वाहिगुरू का नाम सिमरन शुरू हो जाए। गुरु नानक पातशाह जी जन्म साखियां विच वर्ण आया जिक्र आया कि जदों भी किसी उत्ते सतगुरु त्रुटदे सन किसी मनुख उत्ते उन्हां दी मेहर हुंदी सी तो उन्हूं असीस देंदे सन कि तैनू नाम चित आवे तैनू वाहिगुरू चित आवे तैनू करतार चित आवे। तो सब तो वड्डी दात इहो है क्योंकि जदों करतार चित आउणा शुरू हो गया प्रभु चित आउणा शुरू हो गया साडा वाहिगुरू दे नाल लिंक बन गया असीं उहदे नाल रिलेटिड हो गए सानू अपने सच्चे घर दा रस्ता लभ पिया। तो इस करके गुरबाणी नाल जुड़ के मन विच परमेश्वर दे नाम दी प्रतीत जगाउणी है ते जिंदगी फिर अपने माड़े या पटके होए या कुराए पए होए रस्तियां तों हट के सही रस्ते ते टुर पैंदी है। प्रभाती राग विच साहिब श्री अर्जन देव महाराज दा फरमान है सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निचल आवै ना जाए अंदिन प्रभ के हर गुण गाए। असल विच सुखी ओयो प्राप्त कर सकदा मनुख उसे दी जिंदगी खुशहाल टिकी हुई ते अपने पूरे भरोसे विच है जिदे विच परमेश्वर दे जिदे हिरदे विच जिदे मन विच परमेश्वर दे नाम दा निवास है ते वह हमेशा वाहिगुरु नाल जुड़िया होया वाहिगुरु दे गुण गाउंदा अपनी जिंदगी नू परमेश्वर दे नाम सिमरन बख्शां रहमतां नाल शरसार कर रहा है।
ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। पातशाह कहते हैं भी ऐसे मनुख नूं साडे सारयां दी नमस्कार है जिहदे हिरदे विच वाहिगुरू वसिया होया है। तो सब तो उच्ची दात वाहिगुरू दे नाम दी याद है, ते याद तो बिना जिंदगी किसे काम दी नहीं, व्यर्थ है, फजूल है और गुमराह होई हुई है, भटकी हुई है। तो इस करके वाहिगुरु दे नाम नाल याद नाल जुड़ना है, ते याद नाल जुड़न दा तरीका गुर की प्रतीत है, गुरु दी समझ है, गुरु दी सिख्या नू पढ़ना, सुनना, समझना, विचारना, गुरु दे गुणा नू गाउना। इह रस्ता सतगुरां ने साडे लई हाईवे बना दिता परमेश्वर दे द्वारे ते पहुंचण दा। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाकै हिरदा एको होए। फिर जिहड़ा वाहिगुरु दे नाम सिमरन दे रस्ते ते तुर पिया, उहदा सारा कार विहार, उहदी सोच, उहदे सारे कारज वरतों सारी ही वाहिगुरु दे नाम दे अनुसार ही हो गई। ऐसे मनुख फिर भगत भगत करके संसार विच प्रसिद्ध हो जांदे हन। फिर महाराज कहते हैं भगत भगत सुनिए त्यो लोए, तिन्हों लोगों विच सदीवी तौर पर उन्हों का नाम वाहिगुरु अकाल पुरख दियां बख्शां रहमतां दे विच आ जाता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय एक साखी आती है भी सतगुरु संगत को उपदेश कर रहे सन, तो महाराज ने एक सवाल पूछा, भाई संगत जीओ, गुरसिखो, तुसी सारे कोई ऐसा तुहाडे विचों है जिहड़ा भगत कबीर जी का नाम नहीं जानता? तो गुरु घर आने वाले कोई ऐसे सत्संगी नहीं होणगे जिहड़े भगत जी नूं नहीं जानते? उन्हां दे कितने ही शब्द हन बाणी विच, 400-500 शब्द हन भगत जी दे, सलोक हन, ते सारिआं ने कहा जी असीं सारे जाणदे हाँ। फिर गुरु महाराज कहण लगे, कोई ऐसा गुरसिख है जिहड़ा उस बादशाह नूं जाणदा होवे जिसने भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी नूं यातनावां दित्तियां, उन्होंने मारन की कोशिश की थी। तो हुण भी संगत विच कोई विरला ही होएगा जिहड़ा उस बादशाह नूं जाणदा होएगा, उहदा नां उस वेले कोई नहीं सी जाणदा। तो सतगुरु कहण लगे, देखो उस बादशाह की अपने वेले तूती बोलती होएगी, उहदा राज सी, उहनूं सारे मंदे होणगे, पर हुण समां लंघण ते उहनूं कोई नहीं जाणदा, जदकि भगत नूं सारे ही जाणदे हन। तो भगतां दा प्रताप, वाहिगुरू दे नाम सुनण वालियां दा प्रताप हमेशा ही रहिंदा, क्योंकि उन्हां दा जीवन परमेश्वर प्रति समर्पित हो जांदा, वाहिगुरू दा अंग बन जांदे आ, वाहिगुरू तों वरसाए जांदे आ। सोई महला तीजा विच गुरु अमरदास पातशाह दा फरमान है, भगतां की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सोहें दर साचै, जिनी सचो सच कमाया। भगतां दे जीवन दी चाल जिहड़ी है बड़ी उच्ची, सच्ची ते निर्मल हो जांदी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन नूं सच्चे नाम नाल जोड़ लिया, ते ओह वाहिगुरू दी दरगाह विच वी सवायमान हुंदे हन जिन्हां ने सच दीआं कमाईआं कीतीआं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बड़े कमाल दे ढंग नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन किया, तो जिथे जिथे लोड़ पई एक संपादन की तरतीब है जिहदे अनुसार पहला गुरु नानक साहब की बाणी आउंदी है, फिर गुरु अमरदास महाराज जी, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव पातशाह जी की अपनी बाणी, पिछों फिर भगतों की बाणी आउंदी है। पर किते किते गुरु पातशाह ने इस तरतीब दे विच बड़ी कमाल की संपादकी सूझबूझ का परिचय दिता है। वो किंज भाई जिथे लोड़ पई उत्थे इस तरतीब नूं तोड़ के ते ऐसे शब्द दिते हैं जिहड़े आम तरतीब नाल ढुकदे नहीं, जिस तरह के भगत धन्ना जी की बाणी है आसा राग विच, उत्थे भगत धन्ना जी अपने शब्द उन्हां दे दर्ज हन, पर विच गुरु महाराज गुरु अर्जन देव महाराज ने एक अपना शब्द विच जोड़ दिता। हुण इह कमाल की गल है भी वह क्यों शब्द जोड़िया, उस जो शब्द विच गुरु पातशाह जी भगतां की वड्याई कर रहे हैं, ते खास करके अखीर निरणा भगत धन्ना जी के उत्ते कटते हैं, जिस तरह बाकी भगतों ने सिमरन करके अपना जीवन सुधारिया
परमेश्वर के दर से कबूल होए। इस तरह भगत धन्ना जी भी उन्होंने भगतों की रीस करके परमेश्वर के दर से कबूल चढ़े। तो गुरु महाराज का शब्द आया विच पुन्ने की बाणी विच आया है, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना। आड़ दाम कोछी परो होयो लाखीना। भाई वाहिगुरु का नाम जप के नामदेव जिहड़ा परमेश्वर के नाम दे विच लीन हो गया। तो वह छीपा सीगा अड्डी कोटी का, जिन्हों समाज में कोई माण सत्कार नहीं सी, वह लखां दा हो गया। फिर दूसरे भगत की उदाहरण देंदे हन, बनना बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा पयो गुनी गहीरा। भी बनने बुनन कपड़े बुनन का काम करता सी ताणी लगा के भगत कबीर, वह वाहिगुरु के नाम के इतना लीन हो गया उन्होंने अपना बुनना तनना भुल गया, परमात्मा के नाम के नाल चरणा नाल प्रीति जुड़ गई। तो वह फिर चौं पासे प्रसिद्ध होया, उहदा नाम सब पासे सब लोग जुलाया सी, विचारा नीच कुल सी उहदी, तो गुणा नाल भरपूर हो गया, इतने उच्चे सुचे नूं गुण मिल गए। फिर कहिंदे न, रवदास टवंता ढोरनी तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। रवदास जिन्हों चमार जात विच नीवी जात विच जिहदा जन्म सी और समाज विच अत घृणित मनिया जांदा, उहनूं हिंदू समाज विच जिहड़े परिवार के लोग मरे हुए डंगर ढोंदे सीगे, मरे हुए डंगरां नूं संभालदे सी, उहने मोह माया का त्याग करके परमेश्वर के नाम सिमरन नाल अपना मन जोड़िया, तो प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। परमेश्वर के नाम विच इतना प्रसिद्ध हो गया, वाहिगुरु के नाम जी उन्हें प्राप्ति हो गई, उन्हें वाहगुरु के दर्शन किए। फिर होर चौथा भगत है, सहन आई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हिरदय बसया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। सहन आई का भी जिक्र आया भी वह लोगों को स्नेह दिंदा हुंदा सी, खुशियां दे गमियां दे, जिस तरह पिंडां विच हुंदे नाइयां की ड्यूटी हुंदी है, भी तुसीं घर घर स्नेह देना है, किसी घर बच्चे का जन्म होया या किसी घर कोई मर गया, घर घर जाके लोगों को स्नेह देने वाला, वह भी वाहिगुरु का सिमरन करके वाहिगुरु का नाम जप के वह घर घर विच उहदा उपदेश उहदा जस सुनिया गया। इतना भगतां नूं परमेश्वर के सिमरन करके नाम की दात प्राप्त होई। इन्हां सारिआं दी उदाहरणां दे के अखीर भगत धन्ने जी की बाणी विच गुरु पातशाह शब्द लिख रहे हैं, तो दस रहे हैं कि किस तरह नाम सिमरन करके सारे ही भगत प्रगट होए। तो धन्ने बारे लिखते हैं, ए बिद सुन कै जट रोठ भगती लागा, मिलै परतख गोसाइयां सन्ना वडपागा। तो इस तरह इन्हां भगतां दा जस सुन के भगत धन्ना जी के मन में उत्साह आया, वह भी भगती दे विच जुड़े, तो उन्होंने भी प्रतख मिले प्रतख गोसाइया, उन्होंने प्रतख वाहगुरु अकाल पुरख के दर्शन होए। तो भगत भगत सुनिए ते लोए, जिन्हों के हिरदे परमेश्वर का नाम वस गया वो सारे संसार भगत भगत करके सुने गए, उन्होंने वड्याई हुई। सच करनी सच ता की रहतो, सच हिरदय सतमुख कहतो। भगतां का जीवन गुरु पातशाह दस रहे हैं कि उन्हों की करनी उन्हां दी रहत फिर सच्ची हो जाती है, उन्हां दे हिरदे विच ही सच हुंदा ते ओ सच दा ही प्रगटावा करदे हन। इत्थे सच तो एक तां भाव है कि सच जां झूठ बोलण दे नाल संबंध रखदा, पर इत्थे सच दा जो डूंघा भाव है वह परमेश्वर दी प्रतीति है। तो जदों वाहिगुरु दे सिमरन द्वारा वाहिगुरु दी प्रतीति हो गई तां वाहिगुरु हिरदे च वस गया, फिर वह जिहड़ा भगत परमेश्वर का है सिमरन वाला है उहदा जीवन हर वेले परमेश्वर दे सामने है, वह कदे भी फिर किसी गलों भी अपने रस्ते तो डोलदा नहीं, घबरांदा नहीं, उह सीधे रस्ते उत्ते टुरी जांदा, ते उहदे हिरदे विच भी सच है, उहदे मूँह विच भी सच है, उहदा सारा जीवन ही सच्चार हो गया है। तो इस तरह की प्रतीति का जीवन, परमेश्वर की प्रतीति का जीवन प्राप्त हो गया है। आसा दी वार विच इन्हां भगतां उच्चे सुचे सच दे जगयासू मनुखां दी जिंदगी दी एक झलक सतगुरु सानूं दिंदे हन। आसारा गुरु नानक पातशाह जी, सेव कीती संतोखी जिन सचो सच त्याया,
ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। भी जिहड़े वाहिगुरु दे नाम दे प्यारे हन उन्होंने होरले पासों अपना मन हटा लिया, संतोख दा जीवन जीविया ते सच दे नाल ओह जुड़ गए, क्योंकि सच नाल जुड़िया कई बार संसार दीआं बहुत सारिया चीज़ां दा त्याग करना पै जांदा मोह माया दीआं। ते फिर उन्होंने जदों सच नाल जुड़े उन्होंने मंदे पैर ना रखे, उन्होंने पैर फिर किसी माड़े पासे हुण जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर सुकृत करके उच्चा सुच्चा विहार करके कार करके अपना जीवन चलाया है। तो इस तरह सच हिरदय सत मुख कैत सच उस सारा जीवन ही उच्चा सुच्चा पवित्र हो जाता, कोई माड़ा काम वो कर ही नहीं सकता। बड़ी सोहनी गल किसी ने कही कि जड़ा मनुख कोई चंगा काम करता वह भी चंगा है, पर जड़ा चंगा सोचता उस नालों भी चंगा है। तो चंगा होना जड़ा है ज़्यादा इंपोर्टेंट है चंगा करन नालों, तो भगत चंगे हो जाते हैं, उन्होंने हिरदे विच सच समा गया, परमेश्वर की प्रतीति हो गई, हुण वो माड़े पासे जा ही नहीं सकते। उन्हां दी सुरत, उन्हां दा मन, उन्हां दी सोच हर वेले सच नाल जुड़ गई, ऐसा उच्चा पद उन्हां नूं प्राप्त हो गया। साची दृढ़ साचा कार, सच वरतै साचा पासार। फिर उन्हां दी दृष्टि विच भी सच समा गया, तो इस दृष्टि नाल उह जदों वाहिगुरु दी रचना नूं वेखदे हन, सारे आकार नूं वेखदे हन, आले दुआले नूं वेखदे हन, उन्हूं भी उसे दृष्टि नाल सच नाल वेखदे हन। गुरु महाराज दी बख्शिश है, जदों अमृत छकाया जांदा ते पंज चुल्हे पीण वास्ते कहे जांदे हन ते पंज चुल्हे नेत्रां उत्ते छिड़के जांदे हन, उहदा की भाव है कि दृष्टि भी सच्ची हो जाए, अंतरात्मा शरीर विच भी सच दा वासा होवे, दृष्टि विच भी सच दा वासा होवे। तो सच दा जदों नज़र विच सच आ गया, भाई साहब भाई नंद लाल जी दा कथम है, दिल अगर दाना बवद अंदर किनारद यार अस्त। जदों अंदरों मन नूं ज्ञान हो गया, समझ आ गई, प्रतीति हो गई, तो परमेश्वर अंदर ही वस गया। फिर कहिंदे चशम गर बिना बवद च हर तरफ दीदार अस्त। जे अखां विच प्रकाश आ गया, रोशनी आ गई, तो हर पासे उहदे ही दीदार हुंदे आ, फिर उस तों बिना कोई दिसदा ही नहीं। तो ये अखां दी अखां विच सच समाण दी गल है, दृष्टि विच सच समाण दी गल है। जदों दृष्टि विच सच आ गया फिर सब पासे उस परमेश्वर दीयां झलकां उहदा नूर दिसदा है, ते हर पासे सच दा वरतारा ही लगदा, फिर सच तों बिना कुछ होर लगदा ही नहीं। गौंड राग विच गुरु अर्जन देव महाराज इस सच दी प्रतीति दी व्याख्या कर रहे हन कि जदों नज़र विच सच आ जांदा फिर की हुंदा। महाराज कहिंदे हन सब करता सब भुगता रहा, वो आप ही सब कुछ कर रहा है, तो आप ही वो अपन कीती हुई चीज़ों माण रहा है, उन्हों का रस लै रहा, उन्होंने भोग रहा है। सुनतो करता पेखत करता दृष्टो करता दृष्टो करता, सुनन वाला भी वो आप है, देखने वाला भी वो आप है, जो सामने नज़र आ रहा वह भी आप है, जो नहीं नज़र आ रहा वह भी आप है। ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता, जो सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है वह भी उसके हुक्म विच हो रही है, जो सृष्टि का नाश हो रहा है परलो आ रही है वह भी उसके हुक्म विच हो रही है, जो व्यापक है सारे पासे वह भी आप है, तो जो अलिप्त है हर चीज़ के विच जिदी जोत समाई हुई है वह भी आप है। भगतो करता बूझत करता आवत करता जात भी करता, बोलन वाला भी वो आप है भगतो, तो समझण वाला भी वो आप है, आउन वाला भी आप है। संसार विच जदों कोई प्राणी आउंदा वो परमेश्वर का ही प्रगटावा है, तो जदों कोई चला जाता वह भी वाहिगुरु का हुक्म है, उहदी खेड है। निर्गुण करता सरगुण करता गुरप्रसाद नानक सम दृष्टा, जो निर्गुण है जिदा कोई रूप रंग रेख नहीं है वह भी आप है, तो जो सब कुछ पसारा है जो दिसै सो तेरा रूप वह भी आप है। तो इस तरह नाल गुरप्रसाद नानक समदिष्टा, जदों गुरु की बख्शिश हो गई, ऐसे प्रभु की प्रतीति आ गई, नेत्रां विच दी जोत आ गई, तो इस पासे अनुभव जाग पिया, हर पासे उस परमेश्वर का ही नूर दिसदा, होर कुछ दिसदा ही नहीं। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। बस यही गल है, जदों अंतरात्मा विच परमेश्वर दे नाम सिमरन दी धारा चल पई तां फिर सच दी प्रतीति होण लग गई,
फिर वाहेगुरु का अनुभव होने लग पिया, अंतरात्मा परमेश्वर का सिमरन जाग पिया, तो फिर मनुख हर वेले सच के समा गया। हर वेले वो सच के रहा, सच तो बिना होर कुछ कर ही नहीं सकता। तो अंतरात्मा विच सच किवें अपनाना, इहदे बारे भी सतगुरों ने आसा दी वार विच सानूं समझाया कि किदां सच नूं ग्रहण करना है। महाराज कहिंदे है गुरु नानक पातशाह, सच तां पर जाणीऐ जां हिरदै सच्चा होय, कूड़ की मल उतरै तन करै अच्छा तोय। पहली गल है भी सिमरन शुरू कर दिओ, नाम जपना शुरू कर दिओ, तां हिरदे विच सच आउणा शुरू हो जाएगा। तो फिर बाहर जिहड़ी कूड़ दी दीवार है, असी कदम कदम ते झूठ बोली जाने, समझौते करी जाने, संसार दे नाल एवें ही बिना मतलब दे अपनी सुर मिलाई जाने, यह सारी मैल उतर गई। फिर सच दे विच मन धोता गया, शरीर धोता गया, फिर किसी गलत पासे मन या शरीर जा ही नहीं सकता। सच तां पर जाणीए जां सच धरे प्यार, नाउ सुनमन रहसी है तां पावें मोख द्वार। सच फिर हिरदे विच प्रगट होण लग गया, तो सच दे नाल फिर प्रेम जाग पिया। फिर सच तो बिना मनुख चल ही नहीं सकता, झूठ नाल वो चल ही नहीं सकता। अंतरात्मा विच सच उहदे जीवन का सुभाव बन जाता है, उहदे आचरण का हिस्सा बन जाता है। तो जदों भी वह सच दे किते सच की आवाज़ सुनदा है, भाव नाम सिमरन सुनदा है, तो मन खिड़ जाता है उहदा। तो इस तरह नाल अखीर सच जिहड़ा है मनुख नूं अपने निज अस्थान ते उहदा निवास कर दिंदा है। तो सतगुरु कहिंदे सच तां पर जाणीए जां आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नूं पुछ के बहि रहि करे निवास। फिर वह गुरु नाल हमेशा ही गलबात शुरू हो जाती है, कंटीन्यूअस डायलॉग विद द गुरु। तो फिर आत्मा दे तीर्थ उत्ते भाव हर वेले पवित्र होण वाल मन जिहड़ा उह चल पैंदा, ते गुरु नाल सिद्धी गलबात हो गई। तो हर वेले फिर अपनी हर एक मौकड़, हर एक संकट, हर एक तकलीफ वो गुरु नाल मिल के गुरु महाराज दे अगे बेनती करके उहदा हल गुरसिख लभना शुरू कर देंदा। तो इस तरह नाल परमेश्वर दा नाम सिमरन कीतिआं सच दी प्रतीति होण लग जांदी है, जीवन विच सच समा जांदा है, शरीर विच सच समा जांदा है, नैणा प्राणा विच सच समा जांदा है, ते अखीर सच विच जीव समा जांदा है, गुरसिख समा जाता है, गुरसिख गुरु भी समा के गुरु का ही रूप हो जाता है, भाई लैणा गुरु नानक बन जाता है। ऐसी उच्ची सुची उपदेश सिक्ख्या दे रहे हैं पातशाह। तो सारी सिक्ख्या का जो सारांश है, संखेप है, अंग्रेजी विच, वन हु हैज़ फेथ इन द गुरु इन हिज माइंड कम्स टू डवेल अपॉन द लॉर्ड गॉड, ही इज़ अक्लेम्ड एज ए डिवोटी, a humble devotee throughout the three worlds. The one Lord is in his heart, true are his actions, true are his ways, true is his heart, true is what he speaks with his mouth, true is his vision, true is his form, he distributes truth and he spreads truth. One who recognizes the Supreme Lord God as true, O Nanak, that humble being is absorbed in the true one. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.